हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है टू डिजिट नंबर इज फाइव टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इज आल्सो इक्वल टू फाइव मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। तो टू डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, टू डिजिट नंबर से, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये टू डिजिट नंबर कैसे बनता है, या आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं ज्यूम कर लेंगे यूनिट डिजिट भी वाई, टेंस डिजिट को एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस वाई। ये कैसे है, जिसको भी हम टेंस डिजिट पे एज्यूम करते हैं उसको टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टेन इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा बन गया टू डिजिट नंबर। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि टू डिजिट नंबर इज फाइव टाइम्स, ये जो टू डिजिट नंबर है ये पाँच गुना है, पाँच गुना किसका, इज फाइव टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से कि टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब x प्लस वाई इसके दोनों डिजिट का सम, जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों का सम का पाँच गुना, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करते हैं, तो टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फाइव वाई, ये फाइव एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टेन एक्स माइनस फाइव एक्स ये हो गया फाइव एक्स, और y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फाइव वाई माइनस वाई ये बन जाएगा फोर वाई। तो अभी यहीं पे स्किप, एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं। और एक इक्वेशन और क्या दिया हुआ है इसमें, टू डिजिट नंबर इज फाइव टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इज आल्सो इक्वल टू, कौन आल्सो इक्वल टू, वही टू डिजिट नंबर इज आल्सो इक्वल टू फाइव मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। क्या दिया हुआ है, आल्सो ये जो टू डिजिट नंबर है टेन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू, ये और किसके बराबर है, फाइव मोर देन, पाँच ज़्यादा, किससे पाँच ज़्यादा, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट हो गया, उससे पाँच ज़्यादा, इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ के क्लियर नहीं, तो आप पार्ट पार्ट ब्रेक क्वेश्चन को ब्रेक ब्रेक करके दो तीन बार रीड करिए, तो समझ में आ जाएगा ये क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक इक्वेशन और बना लेंगे, अच्छा इसमें तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्स या वाई किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मान लो हम यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा फाइव वाई, सॉरी ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू फोर वाई अपॉन फाइव, ये आ गया एक्स का वैल्यू, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, और इसको इसको नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर पुट x इक्वल टू फोर वाई अपॉन फाइव इन इक्वेशन टू, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस फाइव, जो लिखा हुआ था टेन एक्स के बदले हम क्या लिख रहे हैं, फोर वाई अपॉन फाइव प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स के बदले फोर वाई अपॉन फाइव और y प्लस फाइव, ठीक है। तो ये फाइव से कट गया टू बार में, फोर टू जा एट वाई प्लस वाई, और इधर में हो जाएगा टू फोर जा एट वाई स्क्वायर बाई फाइव प्लस फाइव, ठीक है। फोर टू जा एट और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे एट वाई प्लस वाई ये बन गया नाइन वाई, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एट वाई स्क्वायर प्लस फाइव फाइव जाए ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव, ये फाइव इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्टी फाइव वाई इक्वल टू एट वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव, सबको रीअरेंज करके एक तरफ ले जाते हैं, तो एट वाई स्क्वायर फोर्टी फाइव वाई इधर चला गया माइनस फोर्टी फाइव वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ट्वेंटी फाइव इंटू एट ये हो गया ट्वेंटी फाइव एट जा हो जाएगा टू हंड्रेड, ठीक है। तो एट वाई स्क्वायर माइनस फोर्टी वाई माइनस फाइव वाई फोर्टी फाइव जा टू हंड्रेड हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, एट कॉमन आ गया एट वाई, तो एट वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वाई माइनस फाइव, और यहाँ पे माइनस फाइव कॉमन आ गया, तो यहाँ भी बच गया वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो एक ब्रैकेट में आ गया वाई माइनस फाइव, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एट वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। फिर इसके बाद इधर लिख लेते हैं, तो वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो और एट वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से वाई का वैल्यू हमें मिल गया फाइव, और वाई का वैल्यू आ जाएगा फाइव बाई एट। तो वाई हमने किसको एज्यूम किया है, डिजिट को, तो डिजिट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो सिर्फ इसको हम इग्नोर कर देंगे, वाई इक्वल टू फाइव रीज़न दे देंगे, डिजिट कैन नॉट बी इन, चलो लिख लेते हैं, डिजिट कैन नॉट बी इन
फ्रैक्शन, ठीक है। तो y का वैल्यू मिल गया 5, तो x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू था 4y/5, तो x इक्वल टू 4 × 5/5 कट गया, x का वैल्यू 4, यानी यूनिट डिजिट हो गया y, और y का वैल्यू कितना आया है 5, और टेंस डिजिट था x, और x का वैल्यू आया 4, तो नंबर क्या बन गया हमारा 45, ठीक है। बस यही फाइंड करना था, फाइंड द नंबर, नंबर आ गया 45, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बता भी दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।